मुस्लिम आरक्षण को लेकर जैसे मैंने कहा नागरिकता बिल संशोधन बिल के खिलाफ में यहाँ नागपुर में मुस्लिम समाज ने बहुत बड़ा मोर्चा निकाला है। हमारे साथ में धुलिया के आमदार साहब है फारूक शाह सर, उससे बात करेंगे। सर क्या डिमांड है आपकी? जिस तरह से आज पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है, खलबली मची हुई है, कई बेगुनाह लोगों की जाने गई है, हम मोदी सरकार से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि वो सीएबी और एनआरसी को रद्द किया जाए। और उसी के साथ हमने कल वजीर आला से बात की है और उनको ये मेमोरेंडम दिया है कि जिस तरह से देश के 5 राज्यों में 5 स्टेट्स में सीए बिल को रद्द किया गया है, उसी तरह से महाराष्ट्र में भी सीए बिल और एनआरसी लागू नहीं होना चाहिए, ऐसी हमने वजीर आला से मांग की है। जेनू में जो आप देख रहे हैं, जेनू में कितने विद्यार्थियों को मारा जा रहा है, तोड़फोड़ हो रही है, आर्चरी हो रही है, गोली चली। इसके लिए भी हमने हुकूमत से ये मुतालिबा किया है वजीर आला से कि आप हमारे महाराष्ट्र की हुकूमत की जानिब से ये मोदी सरकार को ये कहे कि जो बेगुनाह की जाने कितने लोगों की और जाने लोगे आप, इसको रोका जाए। ये बने थे मेरे साथ में धुलिया के आमदार फारूक शाह साहब जो नागपुर में इधर विधानसभा में आए हुए थे, लेकिन ये नागरिकता बिल संशोधन बिल का विरोध जो जताया जा रहा है उस रैली में ये खुद शामिल हुए हैं और ये खुद सरकार से मांग करना चाहते हैं कि इस बिल को रद्द किया जाए और 5% आरक्षण को लागू किया जाए। कैमरामैन कविशा के साथ रियाज शेख, TNN 24 न्यूज़, नागपुर।